Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum The Learning School and College TLC welcome you to online tutorial session let's join hand to this new technology and usher into the new progressive era The Learning School wishes a bright and fruitful academic week to all of you Week 7 Grade 6 सेक्शन ए बी सी सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर थ्री टॉपिक एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सल 2013 पेज 3232 टू लेक्चर नंबर 18 प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कस्टम लिस्ट क्या है स्टेप्स टू ऐड कस्टम डाटा इन कस्टम लिस्ट कस्टम लिस्ट के अंदर जो हम डाटा ऐड करते हैं उसके स्टेप्स क्या हैं फ्लैश फिल क्या है और फ्लैश फिल को ऐड करने के क्या स्टेप्स हैं प्रीवियस लेक्चर के जो ड्रिल वर्ड थे उनमें था ऑलरेडी पहले से स्टोर्ड जमा अपीयर जाहिर होना वेरीफाई क्लैरिटी करना पता लगाना फिल्ड भरा हुआ एडिड ऐड add करना वांट चाहना डिलीट खत्म करना या रिमूव करना जो हमारे न्यू लेक्चर के ड्रिल वर्ड्स हैं उनमें हैं प्रोवाइडिंग मुहैया मल्टीपल एक से ज्यादा असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ सोल्टिंग तरतीब देना डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ एग्जाम्पल मिसाल अरेंज तरतीब देना एम्प्लॉय मुलाजिम स्पेसिफाइड खास आज के जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं इसमें स्टूडेंट सीखेंगे कि सोल्टिंग क्या है हम वन कॉलम सॉर्टिंग और मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं हम अपने डाटा को डिफरेंट लेवल में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं बुक पेज नंबर थर्टी थ्री आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सॉर्टिंग सॉर्टिंग का मतलब है रीअरेंज करना री अरेंज कि जो हमने डाटा अपनी एक्सेल की शीट के अंदर ऐड किया होता है वो डाटा जो एक्चुअल है वो चेंज नहीं होता लेकिन उसकी तरतीब चेंज हो जाती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोर्टिंग सोर्टिंग के अंदर हम टेक्सचुअल डाटा टेक्सचुअल मीन जो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होता है उसको भी चेंज करते कर सकते हैं हमारा नुमेरिकल डाटा नुमेरिकल मीन जो नंबर फॉर्म में डाटा होता है और अल्फ़ा अल्फा नुमेरिक मीन जो लेटर्स और नंबर की फॉर्म में हमारा डाटा होता है उसको एक ख़ास ऑर्डर में हम तरतीब देते हैं अब हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को वन कॉलम सॉर्टिंग मीन ए कॉलम के अंदर कैसे तरतीब देते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल की शीट के अंदर डाटा एंटर करना पड़ेगा जिस तरह आप पेज नंबर थर्टी थ्री के ऊपर फिगर नंबर थ्री पॉइंट सेवनटीन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल की शीट के अंदर कुछ एम्प्लॉय का डाटा ऐड है जिसके अंदर हम सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट करके उसकी सोर्टिंग करेंगे मतलब कि उसको रीअरेंज करेंगे उसको सोर्टिंग अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम नंबर डी जो सैलरी वाला कॉलम है उसे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद उसको जो सॉर्ट करने के उसको रीअरेंज करने के जो स्टेप्स हैं उनके अंदर सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे तो एक एडिटिंग ग्रुप अपीयर होगा जिसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर बटन होगा जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगी ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब है कि एक नीचे की तरफ लिस्ट अपीयर होगी जैसा कि आप फिगर नंबर थ्री पॉइंट एटीन के अंदर देख सकते हैं अब इस फिगर के अंदर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट क्या आप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना चाहते हैं मीन असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बड़े से छोटी की तरफ मीन डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करना चाहते हैं तो हम ये कर लेते हैं कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया जो डी सैलरी वाला हमारा डाटा था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने के बाद हमने जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाली ऑप्शन है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप फिगर नंबर थ्री पॉइंट ट्वेंटी के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज हो गया इस तरह हम अपने डाटा को वन कॉलम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद पेज नंबर थर्टी फोर के ऊपर देखें यहाँ पे है मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग मल्टीपल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कॉलम को रीअरेंज करना इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं कि जैसा हमने पीछे रिपीट किया था कि होम टैब पे क्लिक करेंगे एडिटिंग ग्रुप अपीयर होगा उसके बाद सोड एंड फिल्टर की ऑप्शन आएगी और सोर्ड एंड फिल्टर की ऑप्शन के अंदर आप पीछे की तरफ देखें कि वहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम सोट जब हम कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज

स्मॉलेस्ट इसके अलावा अगर आप और लेवल्स ऐड करना चाहते हैं लेवल्स मीन कि आप सैलरी का कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आप देखें ऐड लेवल का जो ऑप्शन है जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिगर नंबर थ्री पॉइंट ट्वेंटी टू के ऊपर आप देखें कि एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर लिखा है कि देन बाय देन बाय मीन्स कि आप सैलरी के अकॉर्डिंग भी अरेंज उसको करना चाहते हैं उसके अलावा इसकी वैल्यूज़ हैं सोट ऑन के अंदर और ऑर्डर के अंदर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मेन्स जो डिपार्टमेंट नंबर है हम उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करना चाहते हैं और जो सैलरी है उसको हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना चाहते हैं ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम अपना डाटा जो सिलेक्ट किया हुआ है सेलेक्ट करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ अरेंज करने के बाद हम ओके के ऊपर जो क्लिक करेंगे तो आप पेज नंबर थर्टी फाइव के ऊपर देख सकते हैं थ्री पॉइंट टू थ्री फिगर के अंदर कि जो हमारा डिपार्टमेंट नंबर है उसको हमने अरेंज किया था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो आप इस वैल्यू को देख सकते हैं कि टेन टेन टन ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज हो गया उसके बाद आप सैलरी की तरफ देखें कि हमने वहाँ पर क्लिक किया था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करना तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज होगी उसके बाद देखें पेज नंबर थर्टी सिक्स पर ही ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू लेवल इसका मतलब क्या है कि हम अपने डाटा को डिफ़रेंट लेवल्स में कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं जैसा कि हमें सब पता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जब हम एक्सेल की शीट के ऊपर ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट की या सैलरी या एम्प्लॉय नेम सेपरेट सेपरेट हमें प्रोमिनेंट uh, हो इस परपज़ के लिए हम क्लिक डाटा टैब पर क्लिक करेंगे तो एक आउटलाइन ग्रुप अपीयर होगा जैसा कि फिगर नंबर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री ऑप्शन हैं एक में है ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल हम सब टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे सब टोटल मीन कि जो हमारा डायलॉग बॉक्स है जो हमारा एक्सेल uh, की शीट के ऊपर वर्क है उसको हम सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं जब हम सिलेक्ट टोटल वाली कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आप फिगर नंबर थ्री पॉइंट टू फाइव के अंदर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसके अंदर हम सैलरी वाली कमांड को सिलेक्ट करके ओके के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जो हमारा सारे का सारा डाटा है हमारी सारी की सारी सैलरी है डिपार्टमेंट वाइज वो अरेंज हो जाएगी जैसा कि फिगर नंबर 3.26 के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे देखें कि, कि जो इंप्लॉय नेम है वो भी सेपरेट हो गए हैं जो डिपार्टमेंट नंबर हैं वो भी सेपरेट हो गए हैं इसके अलावा जो हमारी सैलरी की अरेंजमेंट है वो भी डिपार्टमेंट नंबर वाइज और एम्प्लॉय के लिहाज से अरेंज होगी उसके बाद सबसे आप लास्ट में देखें कि सबसे लास्ट में जो ग्रैंड टोटल है ओवरऑल सारे के सारे एम्प्लॉय इज की सैलरी है वो ग्रैंड टोटल में चेंज होगी इस तरह हम अपना जो डाटा है उसको डिफरेंट लेवल्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि, कि सॉर्टिंग क्या है और हम वन कॉलम सॉर्टिंग और मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं इसके अलावा हम अपने डाटा को लेवल्स में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं